गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आलू और परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो मलाई वाली सब्ज़ी है ये। इसमें क्रीम पड़ेगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। इसमें मैं पहले परवल को ब्राउन भून लूँगी अच्छे से। परवल भूनने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। फिर इसमें मैं आलू भूनूँगी। आलू भून के भी निकाल लूँगी। फिर इसमें मैं मसाले भूनूँगी, जिसके लिए मैंने तेज़पत्ता लिया है दो, थोड़ा सा जीरा डालूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च होने के बाद उसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक मेरा प्याज उधर भून रहा है, मैं इधर मसाले तैयार कर लूंगी। मैंने 2 चम्मच बड़े वाले अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच करीब हल्दी पाउडर। गरम मसाला मैंने घर पे बनाया है, घर का मसाला है वो। ये डेगी मिर्च मैंने डाला। इधर मेरा प्याज हो चुका है। जो मसाले हैं, पहले मैं मसालों को डाल दूंगी। मसाले थोड़े से अच्छे से 1 मिनट तक भून जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के भी भून लूंगी, क्योंकि चिपकने लगता है मसाला। फिर इसमें मैं टमाटर डालूंगी। इसको मैंने क्रश कर लिया था बारीक। फिर मसाले को हम 4 से 5 मिनट भूनने के बाद उसमें हम क्रीम डाल देंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो उसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। फिर उसको भी भूनेंगे 2 से 3 मिनट। मसाला हो चुका है, अब इसमें मैं परवल और आलू को डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो ये सब्ज़ी को ऐसे सूखी भी खा सकते हैं, पानी ना डालना हो तो। लेकिन मैं इसमें पानी थोड़ा सा डालूंगी, इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हो सके तो आप गरम डालिए, तो सब्ज़ी और अच्छी बनती है। पकने पे ये सब्ज़ी गाढ़ी हो जाएगी, बहुत सूखी नहीं बनती है, ना बहुत ज़्यादा पानी जैसा, मीडियम में बनता है। देखिए, ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल दूँगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी सब्ज़ी यहाँ पे रेडी हो गई है। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है।